हेलो एवरीवन, मैं निशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज डे है संडे, 11 बज रहे हैं। आज है होलिका पूजन और मैं सुमित को उपटन लगा रही हूँ। हमारे वहाँ गांव में होलिका पूजन के दिन उपटन लगता है सरसों का। यहाँ पे मैं बेसन का उपटन लगा रही हूँ और उपटन लगा के छुड़ाया जाता है और छुड़ाने के बाद ये होलिका में डाला जाता है। ऐसा मानना जाता है कि ये बुरी नज़रें और बीमारियों से बचाता है। हमारे वहाँ सबको ये उपटन लगाया जाता है, बड़े बच्चे सब लोग लगाते हैं। कोई नहीं लगवाता है तो सिर्फ 5 उंगली में लगा देते हैं, बट लगाते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे मैं सुमित को सिर्फ 5 उंगली में लगाई हूँ और अंश को लगा रही हूँ। मैं अंश लगवा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं छींची है, तो यहाँ पे मैं फोर्सफुली लगा रही हूँ। और ये उपटन छूट नहीं रहा था। सरसों का उपटन रहता है तो बहुत जल्दी छूट जाता है, और ये बेसन का मैंने बनाया था तो नहीं छूट रहा था। और छुड़ाने के बाद मैं दीपा भाभी के साथ जाने वाली हूँ। दीपा भाभी जाने वाली हैं होलिका पूजने, तो उन्हीं के साथ मैं जाने वाली हूँ। और यहाँ पे अंश को सुमित पकड़ के बैठे हैं, बार बार अपना पैर खींच रहे थे अंश। और एक पैर के मैंने छुड़ा दिया है, एक पैर का यहाँ पे छुड़ा रही हूँ। और किसके किसके वहाँ ये उपटन लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे इतना ही निकला हुआ है तो मैं फोल्ड कर दूँगी, इसको होलिका में मैं डाल दूँगी, जल जाएगा। और भाभी भी रेडी हो गई हैं तो हम लोग जा रहे हैं। और अंश को आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले रेडी हो गए हैं, बोल रहे हैं मम्मा आ जाओ। और यहाँ पे पूजा भाभी हैं, दीपा भाभी और मैं। और होलिका पूजन करने के लिए दूर नहीं जाना है, पार्क में ही है, पास में हमारे घर के पास, तो ही जाना है। और यहाँ पे हम लोग आ गए तो भाभी पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज आई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कैसे होता है, क्योंकि मैं देखी नहीं थी, पहली बार मैं देख रही हूँ। हमारे वहाँ होलिका पूजन नहीं होता है। सबके वहाँ रीति रिवाज अलग अलग होता है। यहाँ पे मैं थाल में देखी तो भाभी गुड़ का गुलगुला लेके आई थी, सीधा था, गुड़ था, गुलाल था और गेहूँ का ये बाल है। और अभी बोल रही है कि साड़ी घर पे छूट गई है, यहाँ पे साड़ी भी चढ़ाने वाली थी तो साक्षी को भेजा गया घर से साड़ी लाने के लिए। अंश और रौनक यहाँ पे मिट्टी देखे तो खेलने लगे लोग, और यहाँ पे हम लोग को टाइम लग गया। साक्षी को साड़ी नहीं मिल रहा था और धूप बहुत ज़्यादा हो गया था, बार बार फ़ोन कर रही थी मम्मी कहाँ रखी हैं, मम्मी कहाँ रखी हैं। तो साड़ी लेके आई तो फिर भाभी पूजा करने लगी, ये साड़ी भाभी यहाँ चढ़ा रही हैं। और लेडीज लोग थी वो साड़ी नहीं चढ़ाई थी लोग, और भाभी ने परिक्रमा नहीं किया। और लोग तो परिक्रमा भी कर रहे थे लोग, भाभी बोली हमारे वहाँ परिक्रमा नहीं किया जाता है। सबके वहाँ अलग अलग होता है, तो सब लोग अपना अपना रीति रिवाज फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे भाभी गुलाल का तिलक लगा रही हैं। साक्षी बोली आंटी एक मेरा फ़ोटो ले लो। और इसके बाद यहाँ रौनक को लगा रही, तो पहले रौनक नहीं लगवा रहे थे, फिर रौनक लगवाए। और यहाँ पे पूजा भाभी को तिलक लग रहा है। और जब हम लोग घर जा रहे थे तो देख रहे हैं तो साइड में आंटी बैठी हैं, सारे लोग सीधा यहीं पे दे रहे हैं, तो भाभी भी यहीं पे दे दी। और उनके पास ही एक छोटी सी काऊ थी तो अंश उसके साथ खेलने लगे। आप लोग देख लीजिए कैसे खेल रहे हैं, थोड़ा भी डर नहीं रहे हैं। और ये भाभी से मांग मांग के खिला रहे हैं। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं मालपुआ बनाने की तैयारी की हूँ। और मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी सूजी ली हूँ, 1 कटोरी चीनी लिया है और 1 गिलास मैंने दूध लिया है। ये दूध मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। और यहाँ पे किशमिश है, बादाम है, काजू है, इलायची है और ये पिस्ता है, तो इसको सबसे पहले मैं मिक्स कर दूँगी और रात भर के लिए मैं छोड़ दूँगी। यहाँ पे सारी चीज़ मैंने ऐड कर दी। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी और मिक्स करूंगी। एक बार में पूरा दूध ना डालें नहीं तो पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालें फिर मिक्स करें, थोड़ा डालें फिर मिक्स करें। आप दूध की जगह पे पानी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे दूध से मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही चाहिए। मैं आप लोग को कल मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है होली और आप सभी को हैप्पी होली। अभी 6 बज रहे हैं और मैं चाय पीने के बाद सावर लेने चली गई थी, मेरा पूजा वगैरह हो गया। हमारे वहाँ कलर और गुलाल सबसे पहले भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद मालपुआ बनता है सबसे पहले, तो मैं मालपुआ बना लूंगी। रात में मैं भिगो के रखी हूँ सूजी और मैदे का मिक्स मालपुआ बनाऊंगी, और मालपुआ ही सबसे पहले मुँह में डालते हैं। तो चलिए मैं फटाफट मालपुआ बना लेती हूँ, मालपुआ बनाने में भी टाइम लगते हैं।
मालपुआ बनाने की सारी तैयारी तो मैं रात में ही कर ली थी और सुबह उठ देख रही हूँ तो ये गाढ़ा हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स की हूँ मैं। और मिक्स करने के बाद मैं मालपुआ बना रही थी तो सोची आप लोग को मैं दिखा दूँ। दो मालपुआ बचा था, सारे मालपुआ मेरे बन गए हैं। मैं करछल से डाल रही हूँ, आप चाहे तो गिलास और किसी कटोरी से आप डाल सकते हैं। और इसको ब्राउन होने तक तलेंगे। मालपुआ तो मेरे बन गए, इसके बाद मैं भगवान जी को मालपुआ चढ़ा दूंगी। इसके बाद मैं सब्जी बना लूंगी, थोड़ा सा जीरा राइस बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ। घर पे तो आज दाल पूड़ी भी बनते हैं और खीर भी बनते हैं, और होली के दिन दोपहर के बाद नॉनवेज भी बनते हैं, चिकन या मटन बनते ही हैं, सबके घरों में गाँव में बनते हैं। बट मैं होली के सिर्फ वेज बनाती हूँ, नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। हम दो लोग रहते हैं, क्या क्या खाएंगे। और दाल पूड़ी सुमित खाते नहीं है तो मैं दाल पूड़ी भी नहीं बनाती हूँ। और खीर मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं खीर मत बनाओ, बहुत मीठा मीठा हो जाएगा। बोल रहे हैं कि पुआ खाएंगे कि गुजिया खाएंगे कि खीर खाएंगे, बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा। तो मैं खीर भी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं जीरा राइस बना रही हूँ, सब्जी बनाया और यहाँ पर मैं पूड़ी तल रही हूँ। पूड़ी तलने के बाद मैं किचन से फ्री हो जाऊंगी तो अब सबको फ़ोन करूंगी। अभी तक मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया था, सिर्फ फ़ोन आया है तो मैंने बात किया है। सुबह से उठ के मैं किचन में ही बिजी हो गई हूँ। और यहाँ पे अंश को देखिए, सुमित को गुलाल लगा रहे हैं। आज सुबह से एक बार भी किचन में आए नहीं थे मुझे डिस्टर्ब करने, गुलाल के साथ बिजी थे। अपने सारी टेडियों को ये गुलाल लगाए हैं और ये सुमित को तीसरी चौथी बार लगा रहे हैं, बार बार सबको लगा रहे हैं और मुझे भी लगा दिए थे, फिर भी मुझे ये लगा रहे हैं यहाँ पे। और ये साक्षी को बुलाने गए थे ऊपर से तो बुला के लाए हैं, तो साक्षी को लगा रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग टेरिस पे आए हुए हैं और सारे लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। पहले हुआ कि पार्किंग में खेलेंगे तो पार्किंग में सबकी गाड़ियाँ थी तो हम लोग टेरिस पे आ गए खेलने के लिए। यहाँ तक तो सब अच्छा था, एक दूसरे को अच्छे से गुलाल लगा रहे थे। इसके बाद वाली जो होली हुई, पक्के कलर से सारे लोग फेस पे लगाने लगे और पानी में घोर घोर के सब डालने लगे, तो कलर छूट नहीं रहा था, छुड़ाने में इतना टाइम लगा, छूट नहीं रहा था। और रिकॉर्ड भी नहीं मैं कर पाई क्योंकि सारे लोग फ़ोन अपना रख दिए थे कि भीग जाएगा। और यहाँ पे आप लोग अंश को देखिए कैसे गुलाल लगा रहे हैं, गुलाल का प्लेट लेके आए हैं, बोल रहे हैं पापा मुझे ताऊ को लगाना है, भैया को ये ताऊ बोलते हैं, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये सारे कलर में से सबको लगा रहे हैं, एक कलर लगा के छोड़ नहीं रहे हैं। और इसके बाद ये भाभी को लगा रहे हैं। अभी 4 बज रहे हैं और मैं किचन में चाय बना रही हूँ। और ये राजू भैया और पूजा भाभी आए हुए हैं, लोग हमारी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं लोग। और अंश जीत करके गुलाल का प्लेट लेके गए हैं और अंश यहाँ पे रौनक को लगा रहे हैं। ऐसे तो रौनक से इनकी बनती नहीं है और आज इनको इतना प्यार आ रहा था रौनक पे कि ये गुलाल लगा रहे थे और ये लगा लगा के क्लैपिंग कर रहे हैं। और हमारे वहाँ गांव में क्या होता है, 12 बजे के पहले कलर खेलते हैं और 12 बजे के बाद सब लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं, तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और गुलाल लगाते हैं। और जो दुल्हन रहती हैं वो रेडी होके बैठी रहती हैं तो सारी लड़कियां देखने भी आती हैं और गुलाल भी लगाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो रंग और गुलाल एक ही साथ चलते हैं शहरों में। और यहाँ पर अंश मुझे लगा रहे हैं गुलाल। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।